ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। यात्रियों को केवल आरामदायक सफर ही नहीं बल्कि अन्य सुख सुविधाएं और सुरक्षा देना भी भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इतना ही नहीं, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन भी उन यात्रियों को मिले, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक 14 राज्यों के 200 से भी अधिक रेलवे स्टेशनों का औचक भौतिक निरीक्षण कर चुके यात्री सेवा समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन का कहना है कि भाजपा यात्रियों के सुरक्षित सफर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं उन सभी तीर्थ स्थानों को भी ध्यान में रखा जा रहा है जहां पर अब ट्रेनें का स्टॉपेज बनाना है, क्योंकि धर्म ही इंसान को दृढ़ बनाता है। मैंने जो से स्टेशन को चेक किया है और वहाँ भी स्टेशन पर सारा दुकान कैसे क्या है, लेकिन अब मेरा नेक्स्ट अभियान रेलों का है। आज जैसे मैंने स्वयं शताब्दी में चल कर के आया और चीज़ों को देखा पढ़ा, 70 साल की बीमारी मैं नहीं कहता कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लोग नीचे से हमेशा इच्छा चाहते थे कि नीचे से कोई चीज़ें अनुशासन हो, पालन हो, लेकिन देश का यशस्व प्रधानमंत्री भैया जो कहें कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातवाद, पंथवाद, ये विषमता सारी ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी जिन्होंने विश्व सबसे बड़ी पार्टी बनाई, जम्मू कश्मीर का 370-35A ये सारा जो है अभिन्न अंग जो है अलग लगता था वो स्वर्ग, आज भारत सरकार उन सारे पदों को भगवान राम अयोध्या मंदिर जो लंबे अरसे से अदालतों के शिक्षे में हम लोग देखते थे, लेकिन वो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक, लेकिन उसमें मुस्लिम वर्ग ऐसा है, मुस्लिम वर्ग मेरे भी ताल्लुकात में है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि चंद लोग हो सकते हैं, ये गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो फाइनल है और देश की आस्था भावना भक्ति से जुड़ा है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक पूरे विश्व में है और वो बन करके वो तो पहले भी था, लेकिन उसमें कोई ऐसी अड़चन नहीं। वेंडर्स जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको लेकर आपके, मैं कमर कस के चल पड़ा उस दूरी को, जब ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है तो मैं भी उस सिपाही हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त रेल, कहता नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, अथक प्रयास रहेगा। जैन तीर्थस्थल पर रेल चलाना दोबारा आपका प्रयास चल रहा है, उसमें कहाँ तक आपको सफलता मिली? पहली तो ये सरकार धर्म भाव भक्ति समरसता से जुड़ी सरकार है, चाहे धर्म कोई हो, हर धर्म की आस्था सरकार में है और सरकार तभी तो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, उसको आगे रखते हुए मैं जैन धर्म अभी देख करके आया हूँ, भाइयों से बात की है, जहाँ जहाँ ट्रेन रोकनी चाहिए या जो जो जहाँ स्टेशनों में ज़रूरत है, मैंने कहा कि आप जब भी आइएगा अधिकारियों के साथ बैठकर के चिंता नहीं करेंगे बल्कि चिंता का मुक्ति का भी हम स्वरूप देखेंगे।